कृपा करो माँ, शंकर भगवान को प्रकट करो। पार्वती जी की जब बार बार स्तुति करी गई तब माता ने अपने नासिका के धूम्र से नासिका एक धुआं प्रकट कर भगवान शिव को प्रकट कर दिया। शिव जी का नाम धूम्रपान हो गया है और माता पार्वती का नाम धूमावती हो गया। बोल धूमावती माता की जय। पार्वती जी का नाम धूमावती हो गया। भारत की भूमि पर दो जगह पर धूमावती का मंदिर है, एक जबलपुर के पास में धूमा गांव में। मांग में सिंदूर नहीं रहता धूमावती माता के। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी ये बताओ रुद्राक्ष की माला के साथ में क्या तुलसी की माला पहन सकते हैं, गुरुजी ये बताओ क्या तुलसी की माला के साथ में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो हम उनसे पूछें पहले तो ये बताओ कि कौन सी पुराण में लिखा है कि तुलसी पहनो तो रुद्राक्ष मत पहनो, रुद्राक्ष पहनो तो तुलसी मत पहनो। पहले तो वो पुराण लेकर आओ। तुलसी की मंजरी मेरे शिव के अभिषेक में आती है, तुलसी की लकड़ी मेरे शंकर के अनुष्ठान में पूजन में आती है, क्यों ना आए। हम अगर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, अगर तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष भी पहन रहे हैं तो इसमें कोई हानि कहीं नहीं लिखा किसी पुराण में किसी शास्त्र में कि आप रुद्राक्ष के साथ तुलसी नहीं पहन सकते या तुलसी के साथ रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। तुलसी अगर हमको भगवान नारायण का चरण प्रदान कर रही है तो रुद्राक्ष हमें विश्वास भक्ति और रोग से मुक्ति कराकर भगवान के श्री चरणों तक श्रद्धा उत्पन्न कर रहा है। यहां जितनी कई माताएं कहती हैं क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है, क्यों ना पहने। सीहोर का अगर रुद्राक्ष तुम्हारे पास में है लाल धागे में, तुम कितना भी आभूषण पहन लो, कितना भी जेवर पहन लो, कितना सोना चांदी कुछ भी पहनो, कितने हीरे पन्ने पहनो, पर शरीर के अंदर एक धागे में उसको रुद्राक्ष को भले तुम किसी को दिखाओ चाहे मत दिखाओ, तुम्हें दिखाने में भी अगर शर्म आए तो शरीर से रुद्राक्ष टच रहना चाहिए। क्यों? तो कहा लीवर किडनी थायराइड कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं वो कभी तुम्हें छू नहीं सकती अगर रुद्राक्ष तुम्हारे शरीर में। एक रुद्राक्ष का जल एक रुद्राक्ष का पानी जिंदगी की सार्थकता देता है। मांग में सिंदूर नहीं रहता ध्रुमावती माता के। कभी अगर आप दतिया जाएं तो ध्रुमावती माता की दर्शन कर सकते हैं, कभी आप जबलपुर के पास में जाएं धूमा गांव तो मां धूमावती माता का दर्शन कर सकते हैं। धूमावती माता तुम अपने पति को थोड़े समय के लिए निगल गई थी तो तुम वैदव्य स्वरूप में आ गई, पर ध्रुमावती शिवजी कहते हैं ध्रुमावती तूने अपने बच्चों के कल्याण के लिए मुझे निगला था, इसलिए मैं तुझे वर देता हूं तेरा दर्शन करने वाला दुनिया में कभी हार नहीं सकता, विजय प्राप्त करता है। भारत की भूमि के जितने राजनेता हैं, भारत की भूमि के जितने सत्ताधिपति हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने ये राजनेता होते हैं, ये कहीं ना कहीं जब विजय प्राप्त करना होती है तो ध्रुमावती माता का स्मरण करते हैं। पीताम्बर पीठ जाते हैं, दतिया जाते हैं, ध्रुमावती माता के यहाँ जबलपुर पहुंच जाते हैं धूमा गांव। तो अपने बच्चों के लिए मुझे निकल गई थी अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए। तो माँ पार्वती जी से शिव जी ने कहा भले तू वैधव्य स्वरूप में ध्रुमावती बनकर रहेगी पर जो तेरा दर्शन करने आएगा उसके ऊपर तेरी कृपा दृष्टि अगर हो गई तो वो दुनिया में कभी नीचे नहीं जा सकता, ऊपर की ओर बढ़ता ही चलेगा। ये ध्रुमावती माता माता के नाम से गुड़ की सात आप टुकड़े कर लीजिए, गुड़ की जो बट्टी होती है उसके सात टुकड़े कर लीजिए। और ध्रुमावती माता के नाम से जहां पर गौरी और शंकर दोनों विराजमान है, गौरी और शंकर का मंदिर यदि आप दर्शन करेंगे तो शंकर भगवान का जहां शिवलिंग हो और शिवलिंग के साथ में पार्वती जी शंकर के साथ नीचे ही बैठी हो सामने दीवार पर या ऊंचाई पर। आपको पहले कहा था शंकर जी के शिवलिंग का आपको कई बार दर्शन कराया, एक विष्णु शिवलिंग होता है, एक अमरू जैसा शिवलिंग होता है जिसको बैठकर पूजा नहीं जाता, जिसको खड़े होकर जल चढ़ाया, एक शिवलिंग होता है जो जमीन पर ही रहता है जिसको गौरी शंकर कहते हैं हमारे। तो गौरी शंकर का स्मरण कर उमा महेश का स्मरण कर जो शिवलिंग जमीन पर हो और पार्वती जी भी जमीन पर ही स्थापित। गौरी शंकर का स्मरण कर शुक्रवार के दिन शंकर भगवान पर प्रदोष काल में समय के शाम के समय पर सूर्य अस्त के कुछ ही क्षण में वो गुड़ की बिल्लियां आप शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए और गौरी माता का स्मरण कर उसको उठा कर ले आइए। जिस दिन उठाकर लेकर आए शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार ऐसे सात दिन लगातार दरवाजे के बाहर उसी शिव मंदिर के द्वार पर बैठकर आप गुड़ की डली को खा लीजिए। महाराज जिंदगी में कभी घबराहट नहीं हो सकती, सिर दर्द नहीं हो सकता, बेचैनी नहीं हो सकती और पसीना नहीं आ सकता घबराहट के कारण, रात चक्सो आनंदमय और गौरी शंकर होना चाहिए। गौरी शंकर का स्मरण और गौरी शंकर का स्मरण कर जो सुख पाया वो जीवन का आनंद पाया। महाराज हमारे यहाँ तो आज भी नियम है जब लड़की की शादी होती है तो जगत जननी के मंदिर में उसको लेकर जाते हैं, स्वयं पार्वती जी स्वयं पार्वती के मंदिर में स्वयं सीता मैया गई है, स्वयं रुक्मणी मैया गई है। क्यों? क्योंकि वो गौरी से सुहाग मंगती है, गौरी माता अखंड सुभाग्य देती है, साथ में सुख समृद्धि भी प्रदान करती है।
कि शंकर का जो शिवलिंग होता है और मां जगत जननी का जो हस्तकमल होता है, जिस गोल जलाधारी पर शिवलिंग रखा जाता है, उस जलाधारी के नजदीक में शिवरात्रि कोई से भी महीने की पड़े, दो या तीन शिवरात्रि पर शहद को इस उंगली में लगाकर उस पर चंदन की एक गोली बनाकर, चंदन विचित्र लीला करी है, जरा देखिएगा। गणेश जी रोते हुए आते हैं और माता पार्वती से कहते हैं मां मुझे भूख लगी है। कार्तिक के षडानंद रोते हुए आते हैं मां मुझे भूख लगी है। अशोक सुंदरी रोते हुए आती है और कहती मां मुझे भूख लगी है। और शंकर जी अखंड समाधि में लीन, तब साधना में लीन, भूख लग रही है। माता पार्वती ने देखा कुछ भी नहीं था, क्या दूं बच्चों को, अगर मेरे स्तनों में दूध होता तो मैं अपने बच्चों को पिला देती, पर स्तन में दूध भी नहीं। स्तन में दूध भी नहीं, क्या दूं, भूख से बिलख रहे भगवान गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी सब भूख से बिलख रहे थे। पार्वती जी शिव जी के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर बोली बाबा उठिए, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, उठिए। शिव जी नहीं उठे। गणेश जी माँ का पांव पकड़कर बोले माँ बहुत भूख लग रही है। षडानंद कार्तिकेय बोले माँ बहुत भूख लग रही है। अशोक सुंदरी कह रही है मुझे भूख लग रही है, भोजन नहीं था। माँ फिर शिव जी को जगाई, भोलेनाथ नहीं जागे, मेरे स्तनों में दूध नहीं तो अपने बच्चों को पिला देते। अब वो स्तन में दूध लाने के लिए माँ ने क्या लीला रच दी, क्रोध में आ गई पार्वती। अपने बच्चों को भूखा मरते हुए कोई नारी नहीं देख सकती, कोई नारी नहीं, कौन नारी देखेगी। एक मां अपने बच्चे के लिए समर्पण का भाव लेकर चलती है। देखा मेरे बच्चे भूखे, स्तन में दूध नहीं। पार्वती जी को क्रोध आया, शंकर जी को उठा लिया, उठाकर मुंह में भरकर निकल गई, स्तन से दूध बहने लगा, बच्चों को पिलाने लगी। हाहाकार मच गया साधुर। शिव जी तो पार्वती जी निकल गई, शिव जी नहीं, शिव जी नहीं, शिव जी नहीं। देवताओं ने आराधना करी, मां कृपा करो, मां प्रकट करो महादेव को। शंकर जी को धुएं के रूप में अपनी नासिका से महादेव को प्रकट कर दिया। शिव जी का नाम ध्रुमवान हो गया और पार्वती का नाम ध्रुमावती हो गया। शिव जी ध्रुमवान बन गए, माता पार्वती ध्रुमावती बन गई। शंकर जी ने कहा पार्वती तू अपने पति को थोड़ी देर के लिए निकल गई थी, तेरा पति उस समय पर नहीं था, इसलिए ध्रुमावती तो वेधव्य के रूप में रहेगी। ना तेरी मांग में सिंदूर होगा, ना गले में मंगलसूत्र होगा, ना बिछोड़ी ना चूड़ा होगा। आज भी दतिया में पीताम्बरा धाम में मां धूमावती के मंदिर है। मां धूमावती का अगर आप दर्शन करने जाओगे तो मां सौभाग्यवती नारी को अंदर नहीं जाने दिया जाता, पर्दे में बंद रहती है, सोलह श्रृंगार नहीं करती। मां वेधव्य के रूप में रहती है, ना मांग में सिंदूर है, ना नाक में लोंग है, ना गले में मंगलसूत्र है, वो धूमावती माता है। आज भी दुनिया के बड़े बड़े राजनेता दतिया में जाकर धूमावती की पूजन करते हैं और उससे वर प्राप्त करते हैं। वो धूमावती है, वो पीताम्बरा पीठ में बैठी है, अलमस्त होकर अपने बच्चों के लिए निकली थी, अपने बच्चों के। ध्रुमवान धूमावती बड़ा उसका सहज तक क्या है, जीवन कोई सरल है क्या।